हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी बंगाली रेसिपी। ये बनता है बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट से और इसके टेस्टी होने का राज डिपेंड करता है सही टाइम पर सही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने के तरीके से। तो चलिए बनाते हैं एचोड मलाई करी। मैंने यहाँ 500 ग्राम छोटे टुकड़े कटहल के हाफ बॉईल कर लिए हैं। इसके लिए आपको प्रेशर कुक करना होगा। फर्स्ट सीटी बजने से पहले ही आप गैस को ऑफ कर दें। दूसरी तरफ हाफ कोकोनट को थोड़े पानी में भिगोकर ग्राइंड कर कोकोनट मिल्क निकाल लिया है और ये जो बचे ग्राउंड कोकोनट हैं इससे हम एक बहुत ही टेस्टी कुरकुरे पकोड़े बना लेंगे। स्नैक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर बनाकर खाएं। अब मैंने लिया है एक मीडियम साइज टोमेटो और उसे ग्रेट कर लिया है और इसके साथ मिला लेंगे एक टीस्पून रेड चिली पाउडर या फिर एक टीस्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून ग्रेटेड अदरक और इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और रख लेंगे हाफ टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर जीरे का तड़का लगाएंगे और हाफ बॉईल कटहल को डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ी देर देर में ढक कर पकाते रहेंगे। हाफ फ्राई होने पर डालेंगे टोमेटो का मिक्स और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए कलर चेंज हो रहा है, मगर हम ये देखेंगे कि फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही रहे। मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक और चीनी। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी डाला है और फिर ढककर थोड़ी देर तक पकाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। इस चैनल में मैं और भी ऐसे ही इजी रेसिपी बताने वाली हूँ। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मिलाएंगे गरम पानी 1 कप और पकाएंगे। यह एक टोटली वेज रेसिपी है बिना प्याज लहसुन के, इसलिए पूजा के दिनों में या फिर ऐसे ही कोई दूसरे मौक़ों पर यह डिश बहुत ही काम आता है। देखिए पानी लगभग ड्राई हो गया है। इस समय मिलाएंगे कोकोनट मिल्क और आपको सब्जी का जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से अब आप कुक करें और नमक चीनी चख लें। लास्ट में ऊपर से हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो देखिए, देख के ही पता चल रहा है कि ये कितनी टेस्टी बनी होगी। तो घर पर आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरे और एक अलग रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।